जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम हमारे मदारिस के प्यारे नाज़रीन, एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम मौजूद हैं पिशावर के एक बहुत ही खूबसूरत और बड़े ही मारूफ इदारे में, बल्कि पिशावर क्या पूरे मुल्क का एक बहुत ही मुनफरद नाम है तालीमी हवाले से, जामिया उस्मानिया पिशावर। और इस इदारे का एक तफसीली विज़िट आपकी खिदमत में आ रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इस इदारे का जो निज़ाम तालीम है वो बड़ा ही यूनिक है, बड़ा मुनफरद है। और किस तरह से वो आइडिया आया, कब से ये इदारा कायम हुआ, क्या क्या इसमें सरगर्मियाँ हैं, किस किस अंदाज़ से निज़ाम तालीम यहाँ पर जारी है, और ये सब कुछ आपकी खिदमत में आएगा। और निज़ाम तालीम के साथ साथ और क्या क्या सरगर्मियाँ हैं इस इदारे की, असरी और दीनी उलूम का हसीन इम्तिजाज है ये इदारा, किस तरह काम कर रहा है, ये सब आप हमारे साथ देखेंगे। और हमारी पहली जो मुलाकात है वो है इस इदारे के बानी और मोहतमम हज़रत मौलाना मुफ्ती गुलामुर रहमान साहब के साथ। तो आइए इस विजिट में हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन मुकर्रम, इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया उस्मानिया पिशावर और इस इदारे के बानी और मोहतमम हज़रत मुफ्ती गुलामुर रहमान साहब की खिदमत में। और जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में अर्ज़ किया था, और हम अक्सर ये बात करते हैं कि किसी भी इदारे का अगर सही तारुफ आपको हासिल करना है, उस इदारे का सही पस मंज़र, चाहे वो तारीख़ी हो चाहे वो तालीमी हो, उसका विज़न, ये सब चीज़ें वही इंसान, वही शख्स सही अंदाज़ में बता सकता है जिसने उस इदारे के लिए ख्वाब देखे हों, जिसने उस इदारे की बुनियादों में अपना खून पसीना बहाया हो। तो हम जिस शख्सियत के साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी खिदमत में हम हाज़िर हुए हैं, वो शख्सियत बिल्कुल इस पूरे हवाले से हमें सही रहनुमाई कर सकती है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो हज़रत की खिदमत में हम हाज़िर हैं। हज़रत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो वक्त देने के लिए, ये मौका देने के लिए कि हम जामिया उस्मानिया के हवाले से कुछ आगाही दे सकें, लोगों को इसका कुछ तारुफ हासिल कर सकें। तो पहला सवाल आपकी खिदमत में कि बहसीत बानी, बहसीत मोहतमम, इस इदारे का कोई तारीख़ी जो पस मंज़र है, कैसे किन हालात में इस इदारे की बुनियाद पड़ी, उसके हवाले से कुछ बताइए। माशाल्लाह, पहले तो आप हजरात की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। जामिया उस्मानिया में आपने जो आप जो वक्त दिया, मैं जामिया के इसातिज़ा और तलबा की तरफ से आप सब हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपकी ये जदोजहद और मेहनत और मसाई दीन की तरक्की का ज़रिया बना दें। मैं दारुल उलूम हक्कानिया में 24 साल रहा हूँ, 6 साल मेरे तालिबे इल्मी के थे और 18 साल मेरे तदरीस की। 1977 में जब मैं फारिग हुआ तो हज़रत शेखुल हदीस मुअब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह की शफ़क़त थी कि जिन्होंने मुझे दारुल उलूम हक्कानिया में मुदर्रिस रखा जी। उस वक़्त से मेरे दिल, मेरी ये ख्वाहिश थी कि एक ऐसा इदारा हो कि जिस इदारे में हम बच्चों को असरी तकाज़ों के को सामने रखते हुए इनकी तरबियत करें जी। तो जाहिर बात है कि दारुल उलूम हक्कानिया में रहते हुए मैंने कई दफ़ा इसके लिए मेहनतें भी की, और उसी दौर में ये हज़रत की शफ़क़त थी और हज़रत मुअन्सिबुल हक़ सा रहमतुल्लाह अलैह की शफ़क़त थी कि वो मुझे तालीमी इदारों में भेजा करते थे। तो जिस तालीमी इदारे में मैं जाता तो वहाँ के हालात में लिख कर और वापस आकर हज़रत मुअब्दुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मुअन्सिबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह को सुनाता, और ये मेरी ख्वाहिश होती कि कुछ तब्दीली इन मदारिस में आ जाए जी। ज़ाहिर बात है कि उस माहौल में कुछ हमारे लिए अमली मैदान में काम करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए एक ख्वाहिश को अल्लाह ने ये वो सूरत पैदा की कि 1992 में यहाँ पर एक कनाल की ज़मीन एक खातून ने वक़्फ करने का जब इरादा किया तो इसका बेटा मेरे पास आया और उसने मुझे इसकी ऑफ़र की। तो मैंने उस वक़्त जो इस्तिखारा करके और काम शुरू करने का जो अज़म किया, उसमें यही चीज़ें मेरे जहन में थी कि रिवायती इदारों से हटकर एक ऐसी तालीमी इदारे पर हम सोचें कि जिनमें ये बच्चे
आगे जाकर असरी तकाजों का इदराक करके और माशरे के रमूस को समझते हुए इस मैदान में काम करें, क्योंकि ये तो जाहिर बात है कि इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह एक अलमगीर मज़हब है और एक ख़ास इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए और क़यामत तक है। अभी जब पूरी दुनिया के लिए हम इस्लाम को यकीनन निजात का ज़रिया समझ रहे हैं, तो पूरी दुनिया के तकाज़ों को समझना और इस्लाम के मुताबिक उसको अमली शक्ल में पेश करना ये एक फाजिल की ज़रूरत है। तो यह एक जहन में एक खाका था कि और इसकी लाजमी बात है कि असली तकाज़ों को जान ले। तो इसी इरादे को लेकर 1992 में हमने जामे उस्मानिया की इब्तिदा की। सही। उस वक़्त इसमें हमने सिर्फ 40 सीटें रखी। सही। क्योंकि जामे उस्मानिया का अपना ये उस वक़्त से मैंने कहा कि ये जितने कम तलबा होंगे तो इस पर तवज्जो ज़्यादा होगी। तो उस वक़्त हमने मुतवसिता शुरू किया, उला और सानी और सालिसा, और उसमें सिर्फ 40 तलबा लिए। तो मैं दारुल हक्कानिया से हफ्ते में एक दिन आया करता था और यहाँ पर 3-4 असातिज़ा हमने रख लिए शोबा हिफ्ज के साथ साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे ये सिलसिला चल पड़ा। बहुत शुक्रिया जी। इसमें आपने पस मंज़र, तारीख़ी पस मंज़र भी बता दी और एक विजन की तरफ भी इशारा किया कि किस विजन के तहत इस इदारे की बुनियाद पड़ी। क्या समझते हैं कि कितना अचीव हो गया है वो मकसद जो आपने जिसको सोच कर, जिसको सामने रखकर इस इदारे की बुनियाद रखी थी? और एक जो अहम और बुनियादी बात वो ये कि जामे उस्मानिया के मुतालिक एक बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में मारूफ है ये बात कि ये इदारा दीनी तालीम के साथ साथ असरी तकाज़ों को भी सामने रखते हुए अपने निज़ाम तालीम को लेकर चल रहा है। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि ये जो असरी तकाज़ों को साथ लेकर चलने का ख्वाब आपने 1977 में देखा था, उसमें किस हद तक कामयाब हुए हैं आप? ये ख्वाब जैसे आपको मैंने बताया ना, ये एक मैंने तो देखा, मैं ये नहीं कि एक मेरा ख्वाब था जी, ये मेरे बुज़ुर्गों का भी कि यही ख्वाब था जी। और हज़रत शेखुल हिंद रहिमहुल्लाह सवान कासमी के हवाले से अगर आप देख लें तो उनको भी ये एहसास था कि हमारे इन बच्चों को असली तकाज़ों का इदराक हो, इन फजला को। शायद आपके इलम में होगा कि दारुल देवबंद का अलीगढ़ के साथ जो मुआहदा हुआ था उसमें यही तसव्वुर कर फरमा था कि हमारे ये फजला और ये नौजवान ये असरी तकाज़ों का इदरा करके मैदान में जाए। इसलिए शेख उल हिंद रहमतुल्लाह के दौर में जो उसका वो मुआहदा हो रहा है कि दारुल उलूम के फजला अलीगढ़ जाएंगे और अलीगढ़ के फजला को दारुल देवबंद में आने का मौका दिया जाएगा। लेकिन उसमें 3 सूरतें उसमें वो मुमकिन है। पहली सूरत तो ये है कि दरस नज़ामी पढ़ कर फिर उनको असरी तालीम के लिए भेजें। दूसरी सूरत ये कि असरी तालीम मुकम्मल करके दीनी तालीम के लिए उनको ले आए। तीसरी सूरत ये है कि इनको कम्बाइंड एक निसाब देकर और इस मैदान में इनको आगे ले जाएं। ये पहली दो सूरतों के बारे में तो बड़ी कोशिश हुई है और हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी हद तक उसमें वो माशाल्लाह इस मैदान में आपके माशाल्लाह जामतुर रशीद में ग्रेजुएट फजला का जो तसव्वुर है, जो मेहनत है, वो इसी की एक शक्ल है कि हम उन तालीम याफ्ता बच्चों को यहाँ पर ले आएँ और उसी मैदान में इनकी तरबियत कर लीजिए। हमारे मदारिस में कुछ इस तरह पाकिस्तान के मदारिस में कुछ इस तरह मदारिस के हवाले से कुछ इस तरह वो तसव्वुर नहीं पाया जाए कि अपने फजला को इदारों में भेजें, लेकिन ये एक ज़रूरी चीज़ है। हमने इस तीसरी सूरत को इख्तियार किया कि हम इनको के लिए कुछ ऐसी सूरत पैदा कर लें कि जिसके लिए हम दोनों निसाबों को कुछ यकजा करके और आगे कदम बढ़ें। ज़ाहिर बात है कि इसके लिए मेरे ख़्याल में 3 चीज़ों पर हमें सोचना होगा। पहली चीज़ ये कि हम इसके लिए जो बच्चे लेंगे वो बच्चे ऐसे बच्चे हों कि जो आम बच्चों से हटकर ज़हानत और तालीमी इस्तेदाद और शौक़ ज़ौक और ये सब चीज़ें उनमें ये हों, मौजूद हों, ताकि ये बच्चे आगे काम कर सके। आम बच्चों की नस्बत से इनमें क्वालिटियाँ ज़्यादा हों, शौक़ हो,
ये बुनियादी चीज है, शौक के साथ इस्तेदाद भी हो और फिर इस इस्तेदाद के साथ उसके लिए हम एक माहौल बनाए। तो पहली चीज तो ये है कि बच्चों का इंतखाब इस हवाले से हो। दूसरी ज़रूरत इसके लिए जो है वो दौरानिया का भी है कि दौरानिया ये ज़रूरी नहीं कि हमारे ये 8 साल में हम इनको ले जाएं, तो इसके लिए कुछ दौरानिया पर भी हमें सोचना होगा। तीसरी चीज़ इसके लिए जो है वो बुनियादी चीज़ उस्ताद का है, क्योंकि उस्ताद ऐसा हो कि जो जदीद दौर में जो मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग जो है इसको अपनाने की ज़रूरत है, उसमें लाजमी तौर पर एक उस्ताद की ज़रूरत है जो कम वक्त में इन बच्चों को बहुत कुछ दे सके। ये एक ज़रूरी चीज़ है। अगर हम वही असातिज़ा जो हमारे ख़ास माहौल से होकर आ रहे हैं तो शायद वो हमारी ये ज़रूरत पूरी न कर सके। तो इन तीनों चीज़ों को हमने सामने रखते हुए हमने इरादा किया कि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। इसके लिए हमने 1999 में हमने तमाम उन इदारों का विज़िट किया कि जिन इदारों में असरी तालीम जो है वो लोग निसाब में शामिल किए हुए थे। बिला इम्तियाज इसमें हमने किसी मसले की वो इम्तियाज के जो भी इस मैदान में काम कर रहा था, तो मैं और नाज़िम तालीमात साहब हमने पूरे मुल्क के अक्सर हिस्सों में हम उन इदारों में गए। लेकिन उसके बाद जब हम आए और वापस में बैठ गए तो हमने उन इदारों के माहौल को जब देखा तो हम हौसला हार गए उसमें। उसकी वजह यह था कि उन इदारों में जहाँ असरी तालीम को लोग ले गए हैं तो बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन जो हमारे मदारिस का जो माहौल है जिसको हम जिस पर हम लोग फ़ख्र कर रहे हैं वो हमने नहीं पाया। तो हमने कहा कि अगर हम ऐसा प्रोग्राम शुरू कर लें और हम अपनी ये जो खूबी है और हमारे मुरूसी तौर पर अकाबिर से जो नस्बत मिली है हम ये नस्बत खो बैठे तो ये सौदा घाटे का रहेगा, ये फ़ायदा का तो नहीं होगा। और असरी तालीमी इदारों के लिए तो बड़े बड़े इदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अच्छे काम कर रहे हैं। इसलिए जी हमने वो इरादा तो उस वक़्त ज़रा मौकूफ़ किया। फिर हमने इस पर मेहनत की कि हम कैसे इस इदारे को चलाएं कि इस पर हमारे इस असरी तालीम के को साथ लें लेकिन इस पर हमारे दीनी तालीम के सकाफत और तहजीब और माहौल वज़ा क़ता इन सब का इस पर गलबा हो ताकि हम अपनी शिनाख्त तो देख सकें इस मैदान में। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से हमने इस मैदान में UCA के नाम से, अल्लाह का नाम लेकर UCA के नाम से ये मैं शुरू की। फिर हमने बड़े सोच गौर से कि भाई इसमें हम कहाँ से शुरू कर लें, तो अच्छा ये हुआ कि हम 8वीं से बच्चे को ले लें तो 8वीं और 9वीं में इसको ऊला पढ़ाए, 10वीं में फिर इसको सानिया पढ़ाएं और फिर इंटर लेवल के तक ले जाएं तो राबिया तक। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमने 7-8 साल मेहनत की और इस मेहनत में अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देख रहे हैं कि हम जो अहदाफ लेकर उस वक़्त ले जा रहे हैं उसमें हम कामयाबी से आगे कदम बढ़ा रहे हैं। जी फिर FA के और मैट्रिक के लेवल पर शायद आप लोग तालीमात के दफ्तर में जाएं वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर बोर्ड में ये बच्चे जो हैं ये पोजीशन भी लेते रहे और वही बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह विफाक के मैदान में भी पोजीशन लेते रहे, उनके नंबर वहाँ भी अच्छे रहे। तो हम ये समझ गए कि शायद हम ये हमारा एक जायज़ा है और एक हमारे लिए हम उसका जायज़ा ले सकते हैं कि हम विफाक के नतीजे को देखें और बोर्ड के नतीजे को देख लें। फिर FA के बाद जी हमने ये कोशिश की कि हम इसको BS के लेवल तक ले जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप लोगों ने देखा होगा BS इस्लामिक स्टडीज़ जो हमने लिए एक ईजी रूट हमने लिया ताकि हम इसमें हमें इंतज़ामी तौर पर भी मुश्किलात ना हो और हम अपने वसाइल और अपने हालात और माहौल और ज़रूफ को सामने रखते हुए आगे कदम बढ़ा सकें। और इस साल से हम इंशाल्लाह इसमें BS इंग्लिश के लिए हमारी फाइल जो है वो हेरा के पास प्रोसेस में है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम इसमें आगे वो BS इंग्लिश भी शुरू करवा लें। और सिर्फ BS इंग्लिश नहीं बल्कि तीसरा शोबा जो तीसरा डिपार्टमेंट है वो IT का
हम अभी से सोच रहे हैं ताकि फर्स्ट ईयर से हम उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको आगे ले जाए। माशाल्लाह, शुक्रिया जी नाज़िर मुकर्रम, ये गुफ्तगु बहुत अहम है अपने तई और आपने इसको तवज्जो से सुना है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल अभी मैं करने लगा हूँ हजरत की खिदमत में, और वो सवाल हजरत की इस गुफ्तगु के बाद मुझे करना पड़ रहा है। हजरत, आपने दौरानिए पे भी बात की कि गौर हो जाना चाहिए इस पे कि जो 8 साल हमारा दौरानिया, हजरत मदीन रहमतुल्लाह अलैह का जो निसाब उन्होंने मुरतब किया 15 साल और फिर आज से 92 बरस कबल वो उन्होंने प्रपोज़ किया वो निसाब, और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी उस में फैसले में लिखा अपने प्रपोज़ल में कि हर 15 साल के बाद ये भी रिव्यू होना चाहिए इस निसाब का भी। तो वो निसाब 92 साल तो उस बात को हो गए, फिर 15 साल अब उसमें लगाए, यानी कुछ नहीं हुआ उसके बाद। तो आपने 1977 में जब आप फाजिल हुए और आपको उस वक्त ये अंदाज़ा था, एक फाजिल की है उस वक्त तो ज़ाहिर आप फाजिल थे, कि हम मुझे कुछ ऐसा काम करना है जो असली तकाज़ों से मुझे जोड़ दे और मुझसे कोई ऐसा काम ले ले कि मैं ज़माने के लिए, चूँकि इस्लाम आलमगीर मज़हब है तो मैं सब के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ। आज का फाजिल, यकीनन सब के लिए मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन हम जैसे जो साथी हैं वो दिल बर्दाश्ता होते हैं, दौर हदीस कर रहे होते हैं या फाजिल हो रहे होते हैं, तो एक तो दसारबंदी की खुशी होती है, खुशी के साथ साथ उनको कहीं ना कहीं ये होता है कि क्या करूँ मैं आगे, क्या करूँगा फारिग होने के बाद ना। फिर वो असाज़ा के पास जाते हैं, सर जी मैं क्या करूँ, कोई मशवरा दे दें। तो हर आज का फाजिल कैसे अपने अंदर वो विजन पैदा कर सकता है जो 1977 में आपके जहन में था और जो यकीनन आज भी बहुत सारे लोगों के जहन में होगा, लेकिन हर फाजिल का ये ख्वाब कैसे हो, इसके लिए क्या करना है? हाँ, ये दो सवाल है, ये अहम सवाल है। पहली चीज़ तो हमें ये समझना है कि हम अकाबिर ने जो कुछ हमारे लिए माशाल्लाह इस मैदान में रखा है, हम उसके उसूल को सामने रखते हुए हम आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करें, बिल्कुल, और इस जुमूद से हम निकलें जी। क्योंकि हर दौर के बुनियादी तौर पर हमारा निसाब और निज़ामी तालीम जो होता है उसमें वक्त की अक्कासी होती है, माशरती अक्कासी उसमें होती है, और मुआशरा साथ के साथ बदलता रहता है। तो इस बदलने के साथ हमें अपने इस निज़ाम पर गौर करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर बात है कि कुरान और हदीस के निसाब में तब्दीली वो तो नामुमकिन है, लेकिन इसका जो मेथडोलॉजी है या इसके जो मौकूफ़नले उलूम है उस पर तो हमें सोचना है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप तो अमीर ही से नहवा सीख लें, ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप मिसाल के तौर पर हिदायत नहर और काफ़िया से नहव सीखते रहे। आप जदीद दौर के मुताबिक इन बच्चों के लिए, मेरे ख़्याल से इंशाल्लाह आप लोगों इस सिलसिले में हमारे शोबे तालीमात में जब जाएंगे तो, पिछले साल मैं एक 15 दिन के कोर्स के लिए इस्लामाबाद गया था और ये इंग्लिश लर्निंग का जो मेथडोलॉजी है, मैंने इस हालत में भी 15 दिन वहाँ कोर्स में शिरकत की, और मेरी कोशिश ये थी कि अमरीकी निज़ाम तालीम के कुछ उस रमूज को मैं समझूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे जो कुछ मैंने समझा और लिखा, तो यहाँ कर इस साल हमने तलबा की एक कमेटी बनाई और उस असातिज़ा की एक कमेटी बनाई। अभी हम उला और सानिया और सालिसा 3 क्लासों के लिए अरबी का जो मेथडोलॉजी वो सामने ला रहे हैं, तो 8 तारीख पे असातिज़ा की मीटिंग है, उसमें वो लोग पेश करेंगे। तो वो ये जदीद तौर से हमें इस्तिफादे की एक शक्ल में आपको बता रहा हूँ, और इसी के तलाश में हम हैं, क्योंकि ये हम पर पाबंदी नहीं है। हम कुरान और हदीस के रूह से किसी के तजर्बे से इस्तिफादा करना ये हमारा मजहबी फरीज़ा है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने पूछा, हज़रत क्या लाए हो? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है कि 50 नमाज़ें लाए हो। हज़रत ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहि सलाम अर्ज़ करें कि या रसूलुल्लाह, मैंने बनी इसराइल पर तजर्बा किया है, 50 नमाज़ें बहुत मुश्किल हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 दफ़ा दरबार इलाही में जा रहे हैं। मालूम होता है कि 50 से 5 तक ये बात जो आ रही है ये तजर्बा से इस्तिफादा है जी। और इसे एक और बात भी मालूम हुई कि अफजल मफजूल के तजर्बे से इस्तिफादा कर सकता है, क्योंकि रसूलुल्लाह से हज़रत मूसा अलैहि वसल्लम, बल्कि मैं तो एक और कदम भी आके आपको, मेरा जो मिजाज बना है वो ये कि फ़मा सल्लल्लाहु ग़ुराब यबख़सु फ़िल अर्द लियुरियहु कैफ़ युवारी सवत अख़ी। इसे मालूम होता है कि इंसान ने कव्वे के तजर्बे से भी इस्तिफादा करके अपने अमली मैदान में आगे कदम रखा। और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने जो पूरे मज़हब को बदल दिया है,
और अपने तलामीज़ा को जो वसीयत की है वो एक बच्चे के तजर्बे से, बच्चा कहीं दौड़ रहा था तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाने बच्चे ख्याल करो गिर ना जाओ, उसने अंक उठा कर कहने लगा बाबा जी मुझे छोड़ो अपनी फिक्र करो, मैं गिर गया तू गिर गया उम्मत गिर गई। तो आकर पे हम वहाँ पे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तलामीज़ा से फरमाने लगे कि जब मैं आपको एक बात कहूँ तो आप उसको आंखें बंद करके ना मानी, उसको कुरान हदीस पर पेश कर ले। इसी से हमें इख्तिलाफ उम्मती रहमत उनका मौका मिलकर आज हमारे फिक्का में जो 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 वसत है वो इसी तजर्बे से है। तो मेरा मकसद ये है कि हम अगर लोगों के तजर्बे से इस्तिफादा करें तो इसमें हमारे कई मसाइल हल हो सकते हैं। इसी तजर्बे के लिए हमारे यहाँ ये होता है कि हम 3 साल के बाद फजला का के इज्तिमा का एहतमाम करते हैं और हम उसमें फजला को एक सवालनामा देते हैं कि आप अमली मैदान में जब गए तो आपको क्या क्या मुश्किलात रहे, उन्हीं मुश्किलात को हम इकट्ठा करके और फिर उनको अपने निसाब में जगह देने की कोशिश करते हैं जी। उस हवाले से हमारी कोशिश आगे ये है कि हम इन तलबा को कि जो इनको बुनियादी तौर पर उनकी मोटिवेशन का मसला है जी, तो इसके लिए हमें कई निमतों पर कई नहजों पर काम करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि हमारे यहाँ ये कमज़ोरी है मेरे ख्याल से, मैं ये कहूँ कि हम मदारस में तलबा के इसको ये जो नफसियात है हम इनका इदराक नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से हम तलबा के इस इन नफसियात का इदराक करके और जिस तालिबे इल्म के जो नफसियात हों उसी पर इसके रहनमाई करके, और इस सिलसिले में मैंने विफाक वालों से भी आज से 20 साल पहले एक मीटिंग में बात अर्ज़ की थी कि आप लोग इस तरह कर लें कि फजला हमारे जो मदारिस से फाजिल हों इनके लिए एक यूनिवर्सिटी पर सोचें, वो यूनिवर्सिटी ऐसी हो कि जो असली तकाज़ों को सामने रखते हुए इनकी तरबियत कर ले। और मैंने उनको ये बताया था कि फाइनेंशियली भी आप लोग इसको काबू कर सकते हैं, आप इस तरह कर ले 50 सीटें विफाक ले लें और 50 सीटें मिसाल के तौर पर 50 सीटें वो मदारिस फैसल फाइनेंस पर तकसीम कर ले, जामिया उस्मानिया को 2-4 सीटें दे दे, दारुल कराची को दे, जामिया रशीद को दे दे और इस्लामाबाद में एक इदारा बनाएँ और उस इदारे पर आप लोग काम करें। तो इंशाल्लाह इससे 5 सालों के बाद आपके मदारिस के ये फजला जब जाएँगे मदारिस में जाएँगे तो बड़ा इनकलाब आ जाएगा। और यही आइडिया मैंने हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब से भी शेयर किया है, उसे भी मैंने कहा था कि आप इस्लामाबाद में मुफ्ती महमूद यूनिवर्सिटी बनाएं और इंशाल्लाह इस मैदान में आप करें, जितने फजला हैं हमारे इनकी एक तरबियत कर लें। लेकिन शायद उन हजरात के और काम बहुत ज़्यादा हों, शायद दोनों विफाक वाले भी और दूसरे भी मेरी वो बात शायद उसको अहमियत ना दे सके। तो हम ख़ुद इस मैदान में अभी आगे सोच रहे हैं कि हम इस 3-4 डिपार्टमेंट पर सोच कर और फिर आगे सोचें इंशाल्लाह कि इस मैदान में हम तलबा की उस नफसियात को सामने रखते हुए आगे इसको कैसे चलाने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह एक सोच है और वो मैंने दूसरे लोगों के इस्तेफादे से वो ये तजर्बे से हमें इस्तेफादा करना भी होगा और आगे कदम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह जी। ये जो आखिरी सवाल आपकी खिदमत में मैं ज़रूर रखूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है फजला इज्तिमा का ये हमारे मदारिस में बहुत कम है और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस पर जामिया रशीद में सालाना बुनियादों पर होता है, आपके यहाँ हर 3 साल के बाद होता है, वो कहते हैं ना अकेला ही चला था जाने भी मंजिल लोग मिलते गए कारमा बनते गए, तो कारमा बनेगा तो काम फैलेगा, अकेला बंदा कब तक क्या कर सकता है। तो अपने फजला जो बेचारे कहीं ना कहीं परेशान हैं, मायूस भी होते हैं, बहुत सारे रोज़गार के मौके भी उनके लिए नहीं होते, बात वही है कि उनकी नफसियात के मुताबिक उनकी तरबियत की ज़रूरत होती है। तो इसको आप कितना ज़रूरी समझते हैं कि अपने फजला को इंगेज रखना इदारों के लिए कितना ज़रूरी है अपने साथ, इसके थोड़ी सी अगर बात। ये तो बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह यह है कि हमारे फजला जी जब फारिग हो जाते हैं ना तो वो बेचारे हम भी एक हरती कर लेते हैं ये मदारस वाले, और ये कि उनको आवाम को भी खवास के दर्जे में डाल देते हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि हम तो मदारे से ऐसे लोगों को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि ये रिज़क इनके पीछे भागे, रिज़क इनकी तलाश में हो, ये फजला रिज़क की तलाश में ना हो। लेकिन ये तब होता है कि जब मरतबे सिद्दीकियत को पहुँचे, विलायत के दर्जे में हो, तो ये ऐसे औलिया तो बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर हमारे जो फजला होते हैं वो तो इक्तिसादी मुश्किलात के शिकार होते हैं।
तो मदारिस को इस पर सोचने की ज़रूरत है कि ये मुश्किलात इनके जो हैं उनको सामने लाए और इस पर कुछ कर। अभी हम इसके बारे में भी सोच रहे हैं, एक हमने यहाँ एक अस्पताल का खोलने का इरादा किया हुआ था और ये ख्याल था कि हम इसको ट्रस्ट भी इसके लिए उस्मानिया वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से हमने उसको रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ था, रजिस्टर भी किया हुआ था और इरादा था कि एक अस्पताल बनाए। अस्पताल बनाने के बाद मेरे जहन में एक खाका था, कुछ हमारे डॉक्टर हजरात से भी मेरा ये मशवरा हुआ था कि इस अस्पताल के हवाले से हम अगर फेज़ 1 और फेज़ 2 के हम जो ले जा रहे थे तो इरादा था कि कोई बड़ा अस्पताल हो जाए, फिर हम मेडिकल कॉलेज के हवाले से इस पर सोचें। और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी पेशरफ्त भी हमारे जो माहिरीन है तिब के उनसे हमारा वो मशवरा भी हुआ था, लेकिन ये FETF के जो अर्डीनेंस आ गए तो इसने हमें हौसला अफजाई की बजाय हौसला शिकनी, क्योंकि हम उसको भी चला नहीं सकते हैं, वरना उसमें हम था कि यही फजला को हम मेडिकल में क्योंकि ये और वो दौर नहीं है मेरे ख्याल से। अगर ये कहे कि दारुल देवबंद में उस वक्त की बात ही कहीं उसको जल्दबंदी और जल्दसाज़ी सिखाया करते थे, कहीं उसको दूसरे, ये वो दौर नहीं है। मैं अपने फजला को उन्हें इनको जल्दसाज़ी सिखाओ और उनको यही चीज़ें सिखाओ, नहीं इनको डॉक्टर बनाओ, इनको इंजीनियर बनाओ, इनको साइंसदान बनाओ, ये मैदान में आगे जाए काम करें। तो इसके लिए हमने ये कहा था कोई डॉक्टर वगैरह। फिर इसके लिए मैं एक दफ़ा आपके यहाँ मदीनतुल हिकमत में भी आया था और उनसे भी मेरा ये एक मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया था कि आप लोग यूनिवर्सिटी अगर बनाएं तो फिर आप कुलियतुत तिब के हवाले से हम आपसे तआवुन कर लेंगे, आप FSC जो फजला है वो ले लें। कुलियतुत तिब पर भी सोच रहे हैं कि अगर तिब्बी मैदान में हम इसमें कुछ कर सकें जी। इसी तरीके से मेडिकल टेक्नीशियन के बारे में भी सोच रहे हैं या डिस्पेंसर कोर्स के बारे में भी सोच रहे हैं। ये चीज़ें IT के हवाले से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तलबा की कुछ इस तरह वो इक्तसादी मुश्किल को इनका सामना ना हो कि ये फारिग होकर जब आगे मैदान में जाएँ तो अल्लाह के दीन का काम ये एक दिलजमी के साथ करें। और ज़ाहिर बात है कि वो जज्बे के साथ काम तब कर सकेंगे कि उनके वो इक्तसादी मुश्किल ना हो जी। तो ये मदारिस के लिए ज़रूरी है कि वो फजला के इक्तसादी, सिर्फ इक्तसादी नहीं बल्कि उनकी मुश्किल को समझे, रबते में रहे और जिसके रबते में रहे। यहाँ तक कि मैंने जो कुछ प्रोडक्ट्स देखे ये तो कारोबारी सोच से इस्तेफादा हम करें। प्रोडक्ट्स जब आपके तैयार हो जाते हैं और मार्केट में जाते हैं तो आप प्रोडक्ट्स के बारे में फीडबैक लेते हैं और इस फीडबैक को लेकर आप अपने उस प्रोडक्ट्स में बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं जी। तो ये हमें, ये मेरे बच्चे जो हैं, ये मेरे फसला मैंने ये माशरे में भेजे तो इन माशरे में मेरी क्या कमज़ोरी, क्योंकि बच्चे की कमज़ोरी नहीं, कमज़ोरी तो मेरी होती है कि मैंने इसकी बच्चे ने तो मुझे अपने आप को हवाला करके मुझे दिया था। अभी मेरी कमज़ोरी है कि मैं इसकी तरबियत कर सका या नहीं, तो इसकी तरबियत में मुझसे जो कमज़ोरी रह गई है मैं फजला के इज्तिमा के हवाले से अपने उस फीडबैक को लेकर अपनी इस कमज़ोरी का इलाज करवा सकता हूँ जी। तो इसलिए ये एक ज़रूरी है। और इसके साथ मैं ये भी अर्ज़ कर लूँ कि असरी तकाज़ों का इदराक जिन मदारिस को हो है, मैं कह रहा हूँ कि इन मदारिस का बाहमी तौर पर एक रबते की ज़रूरत है। वजह उसकी ये है कि जो मदारिस समझ रहे हैं और उसका एक प्लेटफार्म हो और उस प्लेटफार्म पर ये लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे के तजर्बे से इस्तेफादा करके, तो इससे ये जो हमारी मुसाफत लंबी मुसाफत है ये मुख्तर हो सकती है जी। ये एक ज़रूरी चीज़ है जी, अगर हम इस पर सोचें और बाहमी रबते की कोशिश कर लें तो। लेकिन इसके लिए जो रबते की ज़रूरत है वो भी ज़रा मुश्किल है, क्योंकि हमारे मदारिस का ये माहौल इस तरह था कि इसमें इसको फ़रूग देना होगा कि भाई रबते और एक दूसरे से इस्तीफादे, इसको भी मेहनत करके इसको इस जज्बे को पैदा करना होगा, करने की ज़रूरत है। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़िम मुकर्रम, हर रिवायत एक वक्त में जिद्दत होती है। आज जो रिवायात हैं वो किसी वक्त में जिद्दत थी, आज जिसको हम जिद्दत कह रहे हैं ये मुस्तकबिल करीब में हमारे लिए रिवायत होगी। तो ये बहुत खूबसूरत इम्तिजाज होता है जिद्दत और रिवायत का, और यही इम्तिजाज जब बनता है तो ज़ायका शीरी होता है। तो नाज़रीन मुकर्रम, इस इदारे का आप विज़िट इंशाल्लाह अज़ीज़ आगे भी करेंगे, और जो विज़न, जो सोच सुनी आपने, हम जैसे फजला इकराम, हम जैसे नए जो फजला अभी इस माशरे में आ रहे हैं,
हमारे लिए इस गुफ्तगू में बहुत सारी फिक्र है, बहुत सारे सवालात हैं। उन सवालात के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करें तो यकीनन मिलेंगे। तो जामिया उस्मानिया की विजिट में आप आगे भी हमारे साथ रहिए, विजिट जारी है। जी नाज़रीन मोहतरम, मुफ्ती गुलाम रहमान साहब की खूबसूरत गुफ्तगू आपने सुनी और जामिया उस्मानिया का विज़िट इंशाअल्लाह अज़ीज़ जारी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा वक्फ़ा लेंगे और उसके बाद हम जामिया उस्मानिया के दोनों कैंपसेस का तफसीली तआरुफ़ आपकी खिदमत में लेकर आएंगे। और यकीनन आप सबको भी बहुत शिद्दत से इंतज़ार होगा उस इदारे का जो इस खूबसूरत और इस बेहतरीन सोच की बुनियाद पर परवान चढ़ा है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 23 अप्रैल बरोज़ जुमतुल मुबारक शब 11 बजे आपकी खिदमत में जामिया उस्मानिया पिशावर के दोनों जो कैंपसेज हैं, मेन कैंपस और उसका गुलशन उमर कैंपस, उनका तफसीली तारुफ और निज़ाम तालीम का तफसीली तारुफ आपकी खिदमत में आएगा। तो आपने हमारे साथ रहना है, कब तक? 23 अप्रैल बरोज़ जुमतुल मुबारक की शब 11 बजे तक। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होती है 23 अप्रैल को।